तो हाल ही में मैंने वन पीस देखना शुरू किया, और इसे शुरू करने से पहले मेरे मन में काफ़ी सवाल थे, जिनमें से कुछ तुम्हारे मन में भी होंगे। और इस वीडियो में मैं तुम्हें उन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा, और हो सकता है कि इस वीडियो के एंड तक तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हें वन पीस देखना है या नहीं। तो वन पीस शुरू करते टाइम सबसे पहली प्रॉब्लम जो मेरे सामने आई वो ये थी कि यार इसमें बहुत ज़्यादा एपिसोड हैं, 1000+ एपिसोड हो लिए अब। लेकिन जब तुम इसे देखना शुरू करोगे तो तुम्हें एपिसोड्स का कुछ इतना पता नहीं चलेगा, एकदम निकल जाएंगे सारे एपिसोड्स। इसलिए अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हें वन पीस देखना चाहिए या नहीं, तो उसका सिंपल जवाब यही है कि तुम्हें वन पीस देखना चाहिए। पर अगर तुम ये सोच रहे हो कि वन पीस में ऐसा क्या है जो उसे देखें, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। और अगर तुमने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो, और यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो प्लीज़। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने अब तक वन पीस पूरा नहीं देखा है। मैंने लगभग 200 एपिसोड देखे हैं अभी वन पीस के। तो मैं अभी ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि वन पीस 200 एपिसोड के बाद अच्छा होना शुरू होता है। पर यार मुझे तो 200 एपिसोड तक भी बहुत अमेजिंग लगा। वन पीस में जो कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी दिखाई है यार, वो मुझे बहुत पसंद आई। इस एनिमे का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम लूफी है, और वो अपना एक क्रू बनाता है जिनकी मदद से वो पायरेट किंग बन सके। और अब तक इस क्रू में लगभग 6-7 मेंबर्स हैं, और यार इन सब मेंबर्स की जो बैक स्टोरी दिखाई है बहुत गजब। कोई एक भी मेंबर ऐसा नहीं है जिसकी मुझे बैक स्टोरी पसंद नहीं हो, सिवाय रोबिन की, क्योंकि हमें उसकी बैक स्टोरी के बारे में इतना कुछ पता भी नहीं चला। तो अगर हम वापस आए वीडियो पे, अगर बात करें वन पीस के विलन्स के बारे में, तो यार तुम इसमें नारुतो जैसे विलन्स को एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि अभी तक तो कोई उस लेवल का विलन मुझे इसमें मिला नहीं। क्योंकि अगर तुमने नारुतो देखा है तो तुम्हें पता होगा कि नारुतो की शुरुआत में ही हमें एक बड़ा बढ़िया विलन देखने को मिला है, ज़ाबुज़ा। पर वैसा कोई विलन अब तक तो नहीं देखने को मिला मुझे वन पीस में। पर हाँ, विलन्स अच्छे हैं, जिनका मुझे इस टाइम नाम याद आ रहा है वे हैं क्रोकोडाइल, एनिरू और आरलोंग। पर हाँ, अगर हम कंपेयर करें नारुतो और वन पीस के कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी, तो यार वो टक्कर की है दोनों की। देख रहे हो ना, मैं फिर से कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी पर घूम फिर कर आ गया यार, जब है इतनी गजब। और वन पीस में तुम्हें सब कुछ देखने को मिल जाएगा, इसमें कॉमेडिक रिलीफ वाले भी कैरेक्टर्स हैं और सीरियस कैरेक्टर्स भी हैं, इसमें कुछ कूल लगने वाले कैरेक्टर्स भी हैं तो कुछ डम्ब कैरेक्टर्स भी हैं, और वन पीस के फाइट सीक्वेंस भी काफ़ी बढ़िया हैं। और अगर मैं अपने फेवरेट कैरेक्टर की बात करूँ तो यार मुझे एस पसंद आया, काफ़ी कूल था यार ये। और यार अगर तुम्हें वन पीस देखने के लिए मोटिवेट करने के लिए एक और बात बताऊँ, तो तुम बस टाइम स्किप तक देख लो, क्योंकि उसके बाद तुम इसे नहीं छोड़ने के, क्योंकि जो कुछ कैरेक्टर ऐसे दिखते हैं शुरुआत में वो ऐसे हो जाएंगे। तो चलो यार, आज के लिए बस यही, और होप करता हूँ कि तुम इस वीडियो के बाद वन पीस देखना शुरू कर दोगे, क्योंकि बहुत लोग हैं यार जो वन पीस के इतने सारे एपिसोड देख के सोचते हैं कि हमें वन पीस नहीं देखना चाहिए। पर यार ये एक ऐसा एनिमे है जो तुम्हें मिस कभी नहीं करना चाहिए। और क्या तुम्हें पता है कि टीम रॉकेट पोकेमोन एनिमे छोड़कर चली गई है? मैंने उसके बारे में भी अपने चैनल पे एक वीडियो बनाई है जो तुम्हें इस टाइम स्क्रीन पे दिख रही होगी, तो जाओ उसे भी देखो यार। और हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, पर तब तक के लिए ओके बाय।